ये क्या कर रही हो तुम? ज्योति हाय, कैसी हो तुम? डॉली तुम, लेकिन तुम गाड़ी की हवा क्यों निकाल रही हो? यार देखो ना ज्योति, ये मेरी गाड़ी पार्किंग की जगह है और पता नहीं कौन इस खटारा गाड़ी को मेरी जगह पर लगा के चला गया है। तो तुम अपनी गाड़ी को कहीं और पार्क कर लो। नो वेज, ये मेरी कार पार्किंग की जगह है और मैं हमेशा से ना अपनी कार यहीं पार्क करती आई हूँ और आज भी ना यहीं पार्क करूंगी, चाहे उसके लिए ना मुझे इस गाड़ी की हवा क्यों ना निकालनी पड़े या इस गाड़ी को तोड़ना पड़े। डॉली, ये गाड़ी मेरे मंगेतर की है, सनी की। ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है? ये तो बहुत सस्ती सी लग रही है। हाँ तो डॉली, सस्ती और महंगी क्या होता है? इसका मतलब तुम्हारा मंगेतर गरीब है, उसके पास एक खटारा गाड़ी है और उसने तुम्हें ये इतनी सस्ती सी रिंग दी है। तुम्हें पता है मेरा मंगेतर कितना अमीर है? उसने मुझे ना ये डायमंड रिंग दी है। और तुम्हें पता है उसके पास कौन सी गाड़ी है? वो देखो, ये गाड़ी है और उसने ना मुझे गाड़ी गिफ्ट की है। और वैसे ज्योति, मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं, अगर तुम मेरी बात मानो ना तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम ये सगाई ना तोड़ दो। अरे फायदे में रहोगी, उसके पास ना ही पैसा है ना गाड़ी है, अरे तुम उसके साथ खुश ही नहीं रहने वाली। और मैं सही कह रही हूँ, तुम इसको छोड़ के ना किसी अमीर लड़के को फंसा लो, तुम्हारा उसी में फायदा है। मेरे मंगेतर ने मुझसे वादा करा है कि एक दिन वो मुझे असली डायमंड रिंग दिलवाएगा। सीरियसली, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे वो सपने पूरे करेगा? अरे मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें ना पूरी जिंदगी सिर्फ वो सपने दिखाएगा और इस खटारा गाड़ी में घुमाता रहेगा। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, वो कंपनी देख रही हो, उस कंपनी में ना मेरा मंगेतर एचआर है। मेरा मंगेतर भी उसी कंपनी में काम करता है। हाय, मीट माय फ्रेंड ज्योति। हेलो। हेलो, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। डोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। यार मेरी जॉब चली गई। क्या, तुम्हारी जॉब चली गई? यार डोली, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं बहुत पैसे कमाता हूँ। दरअसल मैं कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था और मैंने कुछ पैसे इधर उधर किए कि कंपनी ने मुझे निकाल दिया। बेवकूफ इंसान, चले जाए यहाँ से। यार डोली, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा था। ये सब तुम मेरे लिए कर रहे थे? जस्ट गेट आउट। अरे ज्योति, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। और तुम्हें पता है आज कंपनी में क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुमसे कहता था ना कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन होने वाला। गेस व्हाट, आज मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं उस कंपनी में मैनेजर हो गया। क्या, तुम सच बोल रहे हो? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। और तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। थैंक यू सो मच मेरा तहे दिल से साथ देने के लिए। अब मैं तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेके आऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस प्रमोशन से। आई लव यू एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आई लव यू टू। और ये कौन है? ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, डॉली। हाय। नाना, तुम इसे हाय मत बोलो, क्योंकि अभी अभी ना इसे मेरी हाय लगी है। क्या मतलब? मतलब ये कि इन मैडम को लगता है जिंदगी बिताने के लिए एक अच्छे इंसान की नहीं बल्कि पैसों की जरूरत होती है, और इनका ये वहम अभी थोड़ी देर पहले चूर चूर हो गया है। पर हुआ क्या? अभी थोड़ी देर पहले आपकी कंपनी से जिस एचआर को निकाला गया है वो इसका मंगेतर है। क्या, वो अली, इनका बॉयफ्रेंड था? तुम्हें पता है कि वो कितना बड़ा कमीना था? वो कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था और कंपनी के साथ बहुत सारे फ्रॉड करे हैं उसने। आज जब उसके सभी फ्रॉड्स पकड़े गए तो उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। डॉली, अब तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिंदगी बिताने के लिए इंसान का अच्छा होना जरूरी है, ना कि उसके पास पैसा, दौलत, शौहरत, डायमंड रिंग या महंगी महंगी गाड़ी होना जरूरी है। इंसान जितना ज्यादा ईमानदार और लॉयल होगा वो अपनी जिंदगी में उतना ज्यादा खुश रह सकता है। और तुम क्या कह रही थी, मेरे पास एक खटारा गाड़ी है, मैं अपनी इस खटारा गाड़ी में ही खुश हूँ, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। और अब तो तुम्हारे मंगेतर से इंगेजमेंट भी टूट गई है, तो अब तो तुम्हें ना कोई डायमंड रिंग दिलाने वाला है, ना ही महंगी कोई गाड़ी दिलाने वाला है और ना ही कहीं घुमाने फिराने वाला है। अब तुम घर कैसे जाओगी? तुम एक काम करो, तुम ऑटो करके चले जाना, पैसे तो होंगे ना, या फिर तुम एक काम करना, किसी अमीर लड़के से ना लिफ्ट ले लेना, क्योंकि तुम्हारा तो वही काम है ना। चले, छोड़ो यार ज्योति, तुम